मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप और आपकी सरकार मेरा गांव मेरी सड़क जैसी योजनाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की है? नहीं ना। यदि आप बातों के अलावा थोड़ा काम पर भी ध्यान देते तो शायद भगवानपुर के शिकोहपुर गांव की जनता यूं अच्छी सड़क के लिए सड़क पर नहीं आती। एक तरफ जहां मेरा गांव मेरी सड़क जैसी योजनाओं की बात सरकार कर रही है, वहीं पिछले कई वर्षों से भगवानपुर तहसील के अंतर्गत दो विधानसभाओं में पड़ने वाले खेड़ी शिकोहपुर गांव में मेन सड़क अपनी बदहाली पर रो रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बारिश के कई दिन बाद भी सड़क की क्या हालत है। आपको बता दें, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खेड़ी शिकोपुर गांव को गोद लिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही आदर्श गांव है। बाकी असलियत में तो यहां के रहवासी बिजली पानी सड़क के लिए तरस रहे हैं। दो विधानसभा में पड़ने वाली इस सड़क की कोई सांसद या विधायक सुध लेने वाला नहीं है। इसके अलावा खेड़ी शिकोपुर में डाडा पट्टी की ओर जाने वाली सड़क के भी ऐसे ही हालात हैं। इस सड़क पर बनी पुलिया पिछले 4 वर्षों से लटकी हुई है। रोजाना छोटे छोटे बच्चों को लेकर स्कूल बसें इस पुलिया से गुजरती है। पता नहीं कब इस पुलिया का सिरा गिर जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। तस्वीरों में पुलिया की हालत साफ दिखाई दे रही है, तो अब आप ही बताइए इस पर क्या कहा जाए और कौन से सरकार के दावों को सच माना जाए। ग्रामीण उस्ताद भूरा और रईस अहमद ने बताया कि हम तो थक गए हैं अपनी समस्या बताते बताते, लेकिन समाधान तो हो ही नहीं रहा। दुर्भाग्य तो देखिए, दो विधायकों के होने के बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। ये फतेहपुर से खेड़ी शिकोपुर मार्ग है, ये सीमा का गांव है, बॉर्डर का इलाका है। अलावलपुर के बाद खेड़ी शिकोपुर पड़ता है। हमारा ये दुर्भाग्य है, PWD के होने के साथ साथ में इस पर दो विधायकों का जोर है। एक तो श्रीमती ममता राकेश जी हैं, दूसरे माननीय रवि बहादुर हमारे विधायक हैं ज्वालापुर से। हमने फ़ोन के माध्यम से दोनों को बार बार बात करी। UP वालों ने तो अपना 1 किलोमीटर मार्ग बना दिया, रहा 3 किलोमीटर मार्ग, ये दोनों के पेच में फंस रहा, ममता राकेश और रवि बहादुर। मैंने फोन के माध्यम से ममता राकेश से बात करी थी, 1 किलोमीटर UP वालों ने बना दिया, 1 किलोमीटर आपका इलाका है, आप बना दो, 1 किलोमीटर हम रवि बहादुर से बनवा लेंगे अपने विधायक से। फिर हमने रवि बहादुर जी से बात करी, 1 किलोमीटर आप बना दो, तो दोनों ने आनाकानी करी। उसने कहा कि पहले वो बना दे तो मैं बाद में बना दूँ, बाद में वो बना दे तो पहले मैं बना दूँ। हमारा दुर्भाग्य ये है, अगर बीमार बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, तो हम बिल्कुल शहर से और अस्पताल में रास्ता कट जाता है तेज बागी छोड़ने पर। और बार बार जो है PWD के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, लेटर से भी बुला के भी मौके पे भी दिखा दिए, कितनी बार दिखा दिया, लेकिन इसकी कोई सुध-बुध 25 साल से लेने को तैयार नहीं है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राव फसाहत ने कहा कि बारिश की वजह से यहाँ पर से आना जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, साथ ही वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आज तक उन्होंने यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं कराया है। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, यदि सड़क पर काम नहीं होगा तो हम चुनाव के बहिष्कार से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले की जानकारी जब भगवानपुर विधायक ममता राकेश को मिली तो उन्होंने दोनों सड़कों और पुलिया का निरीक्षण किया। विधायक ममता राकेश ने बताया कि सड़क निर्माण के बारे में मुख्यमंत्री से मिलकर उनको अवगत कराया, जल्दी इसका एस्टिमेट बनवा कर इसका निर्माण कराया जाएगा। मैं परसों गांव का निरीक्षण करने के लिए गई थी। मैं खेड़ी की तरफ से डाडा पट्टी से होते हुए खेड़ी जाते हुए अलावलपुर भी गई और अलावलपुर से वापस आते थे, सिकरोडा वाले मार्ग से वापस आए। दोनों तरफ से रास्ते का मैंने निरीक्षण किया, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ही रास्ता है। इसके बीच में पुलिया है, पुलिया भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, अगर दिन रात चलना पड़े तो वो खतरे से खाली नहीं है। मैंने खुद इसका निरीक्षण किया मौके पर जा करके, और मैं कल ही देहरादून गई थी। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इस रास्ते से अवगत कराया और सचिव PWD को भी अवगत कराया। निश्चित ही बहुत जल्द इसका एस्टिमेट बनवाया जाएगा, इस रास्ते का निर्माण कराया जाएगा। UP का और उत्तराखंड का सीमा का गांव है फतेहपुर और खेड़ी शिकोपुर। फतेहपुर से 4 किलोमीटर का ये रोड है खेड़ी शिकोपुर जाने वाला, जिससे कि तेलपुरा, हसना वाला, गांजा, ये बुग्गा वाला तक, और इससे हम देहरादून भी नहीं कर सकते। समस्या ये है कि जब से ये 4 लेन बना है हमारे यहाँ,
इसमें जो है पानी 8-8 फुट 7-7 फुट के हिसाब से सड़क पर चलता है। अगर बारिश हो जाती है तो गांव वालों का जो आना जाना है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अगर बीमार व्यक्ति है हम उसे नहीं कहीं लेके जा सकते। दूसरी चीज़ यहाँ डिग्री कॉलेज हरमेश कॉलेज है, और दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे सांसद जो है वो निशंक जी हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और हमारे सीएम भी रहे हैं उत्तराखंड के। जब से वो सीएम थे आज तक केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भी हमारा ये गांव जो 20 से 30-50 गांवों को जोड़ने वाली मार्ग है जिसका सिर्फ 4 किलोमीटर का एरिया है वो आज तक बन नहीं पाया। सीएम साहब ने गोद भी लिया था कि गोद में ही है ये चलाया नहीं। सीएम साहब आने वाला चुनाव भी है, अगर इस रोड की यही दशा रही तो हम पूर्णतया बहिष्कार करेंगे 20 से 50 गांव। हम इन्हें किसी भी कीमत में अपने गांवों में नहीं घुसने देंगे अगर इस सड़क को नहीं बनाया गया तो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।